है, मैं हूँ मोहिंदर मनकोटिया रामकोट से, जहाँ तहसील हेडक्वार्टर रामकोट में हम लोग आए हैं। ये मैं आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ। तो जहाँ कुछ लोग जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ एक डेपुटेशन आया सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो अभी मैं इनसे बात करूँगा। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बोधराज। जी बोधराज जी, आप बताएं आज किस सिलसिले में आप जहाँ आए हुए हैं। हम एक बार पहले भी इधर तहसील हेडक्वार्टर में तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट किया था। जी उससे पहले इधर अपने रामकोट में किसान मेला हुआ था। जी जी जी। उस टाइम भी मैंने एडिशनल डीसी साहब से भी मुंहजुबानी बात किया था। उन्होंने तो भी बताया था कि हमारे गांव में एक तालाब बना है। वो तालाब जो है ठीक है, उन्होंने चुनाई कर दी, जो भी उन्होंने उसका काम करना था वो मच्छी निकाल दी, पानी निकाल दिया जो गंदा था। उन्होंने बोला बीच से इसकी सफाई की जाए। बोला हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कुछ नहीं किया उसके बाद। अच्छा। उसके बाद चुनाई वगैरह हो गई, टाइल लग गई, अभी बोला हाँ कर देंगे, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मतलब जो कार्य आपने सफाई के लिए बोला था वो उन्होंने नहीं किया। आज किस सिलसिले में आप आए हैं? उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद हम फिर तहसीलदार साहब को हमने बात किया। अच्छा। तहसीलदार साहब ने बोला ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मनोला से हमारी बात हुई, उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से बात किया, उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरे को टेलीफोन नंबर दिया, मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से भी फिर बात किया, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बता दिया उनको जो अपने उधर रेंजर साहब लगे हुए हैं, तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे वो, मगर अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी आगे आने वाली बरसात है, जो उसमें पानी है या कचरा कीचड़ जो 50 साल से उसमें गोबर जो गंदगी थी वो साफ नहीं करी है, उसके बीच भी पानी सर गया है। अभी भी मतलब मीडिया वाले भी ग्राउंड जाके देख सकते हैं जी जी कि क्या क्या उसकी कंडीशन है। कल उधर पानी की हमारी प्रॉब्लम यही है कि पानी उधर नहीं। अब पानी के लिए हमने वो तालाब की रिक्वेस्ट की थी कि बने, बनाया, गवर्नमेंट का पैसा भी लग गया, मगर वो पानी जो है वो पशु भी नहीं पी सकते। अगर कल वो बरसात हो जाएगी, पानी और बढ़ जाएगा, क्या करेंगे उस पानी को? हम नहाएंगे, कपड़े धोएंगे या क्या उसकी मतलब इस्तेमाल करेंगे? मवेशी भी नहीं पीते, नहीं पी सकते। तो अभी आपकी क्या डिमांड है? अभी यही डिमांड थी, अभी हमने तहसीलदार साहब को फिर लिखा, ये एक रेपुटेशन मतलब जैसे साइन पीछे भी करवाई हमने, ये एप्लीकेशन है। तो सभी छोटे बड़े जितने भी मतलब वो बच्चे जनानियां सभी बोल रहे हैं कि भाई इसकी सफाई तो होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी आप भी जाएंगे तो आप भी यही बोलेंगे। मतलब ये है कि आपने बार बार डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि इसकी सफाई करिए, उन्होंने सफाई नहीं करी है। और आज आप फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रामकोट के पास आए हैं, तो आपने ये एप्लीकेशन को दी है, ये दिखा रहे हैं जी, उन्होंने साइन करके लिख दिया इसके नीचे, उनको डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया। हमने जी लिखा है एप्लीकेशन के ऊपर, अगर 8 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई, उसका टिकट गंद नहीं निकला गया, हम उधर स्ट्राइक के ऊपर भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। हम लिखा हमने रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं हम जी जी, मगर रोड ब्लॉक करने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। पब्लिक को हम डिस्टर्ब करेंगे, कोई बेचारा गर्मी में कहीं मरेगा कोई नहीं, हम खुद अपने आपको उधर इनके हवाले करेंगे, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे। जब तक ये कंप्लीट उसकी सफाई ना की जाए तब तक हम उधर से उठने वाले नहीं है फिर। तो ये थे बोधराज जी, उनके साथ ये डेपुटेशन आया हुआ है तहसीलदार रामकोट जी के पास, उन्होंने एप्लीकेशन जो सॉइल कंजर्वेशन के आर ओ है उनके लिए कर दी है। तो उनका यही कहना है कि अगर हफ्ते के अंदर अंदर उसकी सफाई नहीं हुई तो हम जहां पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और रोड के ऊपर प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो मेरी यही अपील है मीडिया के माध्यम से, जो हमारे गवर्नर साहब हैं जम्मू में जो बैठे हुए हैं, उनसे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो जल्द से जल्द दूर की जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है सॉइल कंजर्वेशन। मीडिया अपडेट में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।